नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो के एक नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक खास पौधे के बारे में जिसका नाम है फाइसेलिस पेरुवियाना। इस खास पौधे को हम गोल्डन बेरी, केप गूसबेरी, फाइसेलिस या रसबेरी के नाम से भी जानते हैं। इसे दुनिया भर में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका में इसे केप गूसबेरी कहा जाता है, मेडागास्कर में पॉक पॉक, हवाई में पोहा, इंडिया में रसभरी और यूनाइटेड किंगडम में फाइसेलिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों में इसके और भी अलग अलग नाम हैं। यहाँ तक कि भारत में भी इसे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कहीं कहीं इसे मकोई के नाम से भी पुकारा जाता है, छत्तीसगढ़ में इसे चिरपोटी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे परपोटनी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा सा पौधा होता है जिसके ऊपर एक पतला सा आवरण भी होता है। मूलतः इसके फलों को लोग बड़े चाव से खाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसके फलों के साथ साथ इसकी पत्तियों में भी ढेर सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। रसभरी का फल और पंचांग, यानी कि फल, फूल, पत्ती, तना और मूल उदर रोग, मूलतः यकृत यानी कि लीवर के लिए लाभकारी होते हैं। कहा जाता है कि लीवर को उत्तेजित करके ये पित्त को बाहर निकालता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाने से पाचन अच्छा होता है और साथ ही ये भूख को भी बढ़ाता है। इसके अलावा पत्तियों का काढ़ा शरीर के भीतर की सूजन को भी दूर करता है, और अगर सूजन शरीर के बाहरी हिस्सों पे हो तो भी पत्तियों का लेप बहुत फायदेमंद माना जाता है। रसभरी के पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। इसमें कैरोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। बवासीर और संधिवात यानी कि अर्थराइटिस में पत्तियों का काढ़ा काफी लाभप्रद होता है। इसके अलावा माना जाता है कि खांसी, हिचकी, श्वास रोग में इसके फल का चूर्ण बहुत फायदेमंद साबित होता है। रसभरी में कैलोरी का स्तर कम होता है। इसमें पॉलीफेनॉल कैरोटीनॉइड्स काफी मात्रा में होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से हैं। पॉलीफेनॉल कैरोटीनॉइड्स कैंसर से भी लड़ने में मदद करते हैं। इसे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी काफी सहायक माना जाता है। रसभरी में फ्रक्टोस पाया जाता है, इसलिए इसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। इसका सेवन करने से मधुमेह काफी नियंत्रित हो जाता है, विशेषकर खाली पेट उबालकर पीने से यह लाभकारी साबित होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी नींबू से अधिक पाई जाती है। विटामिन सी त्वचा के लिए ही नहीं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा सहायक माना जाता है। ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है। रसभरी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मददगार साबित होती है। इसमें पॉलीफेनॉल कैरोटीनॉइड्स जैसे फाइटोकेमिकल्स के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर रिलीवर की तरह से काम करता है। ये बायोकेमिकल कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत मदद करते हैं। इसी के साथ साथ ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों में भी लाभकारी हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता का 14% होता है। विटामिन ए शरीर के साथ साथ आंखों के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। इसमें अच्छे अनुपात में पैक्टिन पाया जाता है जो कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसका उपयोग रूमेटिज्म यानी कि गठिया और डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियों को भी दूर करने में किया जाता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि इसमें पाया जाने वाला फाइटोकेमिकल हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है और हृदय संबंधी सभी बीमारियों से लड़ता है। तो ये थे रसभरी के कुछ विशेष फायदे। अब जान लेते हैं कुछ 3 विशेष सावधानियों के बारे में जिससे इस फल के सारे लाभ हम प्राप्त कर सकें। बिना पकी रसभरी को कभी ना खाएं क्योंकि ये जहरीली हो सकती है। जंगली रसभरी को खाना भी हानिकारक साबित हो सकता है, और अगर आपको बेरी से एलर्जी है तो रसभरी खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। तो अगली बार रसभरी को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए भी खाइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।